सेफ्टी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसे में हमें ध्यान रखना पड़ता है अपनी राइडिंग एसेसरीज का, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारा हेलमेट। और आजकल के बदलते हुए ट्रैफिक रूल्स तो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देते हैं, और ऐसे में तो शायद अगर आप घर से बाहर बिना हेलमेट के जाते हैं तो शायद आपका चलान कट जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रैफिक रूल सभी को फॉलो करने चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए उन सभी राइडिंग एसेसरीज को जो कि राइडिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए 5 स्मार्ट हेलमेट्स लेकर आया हूँ जो कम्प्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर देना, और आप भी गैजेट से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके साइड वाले एक बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, ब्रेक फ्री। अगर आप किसी रोड पर हाई स्पीड पर कहीं जा रहे हो तो ऐसे में आपको अचानक ब्रेक मारनी पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके पीछे आने वालों के लिए। वैसे तो बाइक्स में पीछे ब्रेक लाइट्स लगे होते हैं जो कि ब्रेक लगाने पर ब्लिंक होती है, लेकिन लो लाइट होने की वजह से वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होती। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटे से गैजेट को जो आपके सेफ्टी पर्पस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसे आप अपने पुराने या फिर नए हेलमेट के साथ यूज़ कर सकते हैं, और इसके रेड LED लाइट काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली होती है। आप जैसे ही अपने बाइक पर ब्रेक लगाते ही ये खुद ब खुद ही ऑन हो जाता है। इस गैजेट की एक खास बात है कि आपको इसे स्मार्टफोन से या फिर एनी अदर डिवाइस से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद ब खुद ही हाई स्पीड रिकॉग्नाइज करके इसमें लगे हुए LED लाइट को ऑन कर देता है, और आपको इसमें किसी भी तरह की बैटरी को इनबिल्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इसे स्मार्टफोन को चार्ज करने के जैसे ही इसे चार्ज कर सकते हैं। और इसकी चार्जिंग टाइम 2 घंटे का होता है। एक बार इसे फुल चार्ज करने पर आप इसे 8 घंटे तक लगातार यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, क्रॉस हेलमेट। फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे हेलमेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस और हाईटेक हेलमेट लेना चाहते हैं तो ये हेलमेट आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स इनबिल्ट किए गए हैं जो कि आपकी सेफ्टी को और भी ज़्यादा एडवांस कर देता है। जैसे कि ये हेलमेट आपको 360 डिग्री विजन अवेलेबल कराता है। नॉर्मली तो आप आगे आने वाले लोगों को देख ही सकते हैं, लेकिन पीछे देखना हेलमेट के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस हेलमेट के बैक साइड पर एक फुल HD कैमरा लगा होता है, और इसमें दिए गए छोटी सी स्क्रीन पर आप पीछे का व्यू एकदम क्लियरली देख सकते हैं। आपको इसके स्क्रीन में नेविगेशन सिस्टम को भी शो करता है। इसमें एक बार आपको स्मार्टफोन से डेस्टिनेशन को सेट कर देना है, जिसके बाद ये आपको खुद ब खुद ही रास्ता दिखाता है। फ्रेंड्स, इस हेलमेट में छोटे से स्पीकर भी इनबिल्ट है, जिससे आप म्यूजिक लिसनिंग का भी मजा ले सकते हैं, और इसमें लगे हुए माइक्रोफोन्स काफ़ी हद तक नॉइस को रिड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से आप कॉल पर भी बिना नॉइस के बात कर सकते हैं। और इसे कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यह टच गेस्चर को सपोर्ट करता है, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। नंबर 3, YP प्रो हेलमेट। बारिश के समय राइडिंग करते वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हेलमेट के वाइजर पर बारिश के छोटी छोटी बूंदें आकर रुक जाती है और वाइजर की विजिबिलिटी को कम कर देती है। और अगर बारिश तेज होती है तो ऐसे में तो बाइक को राइड करना नामुमकिन सा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो आप इस सिचुएशन को फेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये शानदार गैजेट का। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से कार में विंडशील्ड को साफ करने के लिए वाइपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह से ये भी हेलमेट के वाइजर को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे खास तौर पर हेलमेट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे आप किसी भी तरह के हेलमेट पर माउंट कर सकते हैं। इस वाइपर में एक छोटी सी मोटर लगी होती है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं, और इसके साइड में एक बटन दिया गया है जिसे आप वाइपर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का गैजेट आपको राइडिंग के वक्त काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4, लाइट मोड हेलमेट किट। फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे स्मार्ट हेलमेट्स अवेलेबल हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन आपके पास एक पुराना हेलमेट है तो और आप चाहते हैं कि उसे भी एक अट्रैक्टिव लुक देना, तो दोस्तों आप यूज़ में ले सकते हैं ये गैजेट का। वैसे तो ये एक स्मार्ट हेलमेट होता है जिसमें LED लाइट इनबिल्ट रहती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से आप इसके लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पुराने हेलमेट को ही डेकोरेट करने में इस तरह के लाइट्स को आप Amazon से खरीद सकते हैं। इसकी परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने हेलमेट को डेकोरेट पर्पज ही किया जाता है? तो आपका सोचना एकदम गलत है, क्योंकि इन लाइट्स को लगाने के बाद आपकी सेफ्टी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये आपको रोड पर विजिबल बना देगी, जिससे आपको कोई भी आसानी से देख सकता है। ज़्यादातर रात में हाईवेज पर विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है और पीछे से आने वाले आदमी को आप दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप इस तरह के लाइट्स को अपने हेलमेट पर लगाते हैं तो आपको कोई भी आसानी से देख सकता है। नंबर 5, ऑर्गन ट्रांसफॉर्म।
फ्रेंड्स आपने तो स्मार्ट हेलमेट्स देखे होंगे, लेकिन उन हेलमेट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट के होते हैं। ऐसे में उसे परचेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एक पुराना हेलमेट है तो आप चाहते हैं कि उसी को थोड़ा नया बनाना, तो ये गैजेट इसमें आपकी मदद कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसके साथ आपको पूरी किट मिलती है, जिसमें सबसे पहला होता है रियर व्यू कैमरा। इसे आप अपने हेलमेट में आसानी से माउंट के जरिए लगा सकते हैं। साथ में आपको स्क्रीन और हैंडल बार भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि कैमरे से हो रही लाइव स्ट्रीमिंग को आप इसकी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और इसके हैंडल बार कंट्रोलर से आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। ये गैजेट आपको कॉलर आईडी, म्यूजिक और स्पीड और जीपीएस और भी काफी सारे एडवांस फीचर्स इसमें शो करता है। साथ ही अगर आप चाहो तो इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये ब्लूटूथ इंटरकॉम से लगभग 100 मीटर की रेंज में कम्युनिकेट कर सकता है, और इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, जो कि फुली नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है। इस गैजेट को आप अपने हेलमेट पर लगाते हैं तो आपका नॉर्मल सा हेलमेट एक स्मार्ट हेलमेट में बदल जाएगा। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो फटाक से जाकर उस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, और इसके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर रख लीजिए, ताकि अगला वीडियो और अगला सुपर गैजेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।